की आई बानी कि तोहरे शरणवा। एक भक्त कह रहे अपने बाबा से कि बाबा आपके दरबार में आए हैं। किनके दरबार में आए हम लोग? किनके दरबार में आए हैं? भोलेनाथ जी के दरबार में आए हैं। तो बाबा से बस एक ही बात कहना है कि बाबा कुछ भी नहीं चाहिए, यहाँ जो धन दौलत महल अटारी है कुछ भी नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए? एक बार सिर्फ दर्शन हो जाए आपका तो मेरी जिंदगी सवर जाएगी। किस तरह वो भक्त कह रहे हैं। और एक बात बता दूं, अगर इस दरबार में अकेले हम कहेंगे तो बाबा मेरी सुनेंगे, है कि नहीं? अगर हम अकेले कहेंगे, अगर आप लोग भी कहिएगा, क्योंकि आप लोग भी इस दरबार में आए हैं, आए हैं ना आप लोग। अच्छा, कौन कौन इस दरबार में बाबा का दर्शन पाने आए? दोनों हाथ उठाइए, जो दर्शन पाने आए हैं, और जो भोज खाने आए, कोई बात ही नहीं है। राजा भैया भोज का भी आयोजन रखे हुए, और चाहेंगे जो बाबा का दर्शन पाने आए हैं, दोनों हाथ सामने करके एक बार बोलिए शंकर भगवान की, बोलिए हर हर। क्या बात है, जय हो। आइए प्यारा सा भजन है, बाबा भोलेनाथ जी के चरणों में कहना है। ए बाबा कि आई बानी कि तोहरे शरणवा। और कहेंगे क्या? कितने तरसनवा हे बाबा, कितने तरसनवा। गाइए आप लोग, कितने तरसनवा हे बाबा, कितने तरसनवा हे बाबा। गाइए कि आई बानी कि तोहरे शरणवा। किनके दरबार में? किनके दरबार में? महादेव जी के दरबार में। इसलिए कहना है कि आइल बानी कि तोहरे शरणवा। और ताली बजा के कहेंगे कैसे? कि तेरा दरसनवा ए बाबा, कि तेरा दरसनवा ए बाबा। गाइए तो एक बार, कितने दरसनवा हो बाबा। गाइए कितने जे गा रहे हैं, अपने सब समझ रहे हैं ना, क्या गा रहे हैं? कितने दरसनवा हो बाबा। तो महादेव कहाँ बैठे हैं ना, एक बार कहिए उनको देख के। कितने दरसनवा ए बाबा, कितने दरसनवा ए बाबा, तोहरे से सकली चरणवा, तोहरे से सकली चरणवा, कितने दरसनवा ए बाबा। Thank you.
क्या गाएंगे? किते दरसनुवा हे बाबा, किते दरसनुवा हे बाबा। गाइएगा ना आप लोग, गाइएगा ना। एक बार हाथ उठाइए, दोनों हाथ सीधा उठाइए। और कहा भी गया है कि इसके दरबार में जिसने किया सर्व उसका फूटा कर। इसलिए अगर इस दरबार में आए हैं और बाबा से कुछ कहने आए हैं तो सच्चे दिल से गाइए। और बहुत ही प्यारा भजन है, बहुत ही सरल भजन है, बस यही कहना है कि तेरा दर्शन हुआ हो बाबा, कि तेरा दर्शन हुआ हो बाबा। और चाहेंगे दोनों हाथ हाथ लेकर के एक बार उठाइए, बोलिए शंकर भगवान की, और ताली बजा के कैसे कि तेरा दर्शन हुआ हे बाबा। जब तक भोजन नहीं चलेगा तो गाने वाले भी से नहीं। अच्छा भोजन का व्यवस्था करवा रहे हैं। एक बार गाइए चाची, एक बार, एक बार। किते दरसनुवा, ये हमारे दादी गए थे, एक बार दादी सुना। किते दरसनुवा हे भोला, गाइए किते द। देखिए कितना अच्छा लग रहा है और आप लोग सर्व कर रहे हैं, मिलके गाइए। आप लोग गाइएगा ना तो बाबा आपको दर्शन देंगे। एक बात बता रहे हैं, जब देखिएगा गांव अपने घर घर कभी पूजा करवाते होंगे तो पंडित जी आते हैं ना, और वो मंत्र पढ़ते हैं। अगर सिर्फ अगर पंडित जी अगर मंत्र पढ़ेंगे तो जितना भी फल है वो पंडित जी के भोग में जाएगा। अगर पंडित जी के साथ में जजमान लोग जो घर भैया है वो पढ़ेंगे तो उनको वो फल मिलेगा। अगर पंडित जी आके सिर्फ अपना मंत्र पढ़ के चले जाए तो फल किसको मिलेगा? जो मंत्र पढ़ेगा, है ना। और भूख लगने के बाद जो मांगेगा उसी को ना खाना मिलेगा। इस दरबार में भी हम लोग आए हैं, अगर हम गाएंगे तो हम पाएंगे। और आप लोग खाई टुकुर टुकुर देखिएगा, टुकुर टुकुर जिस तरह देख रहे हैं। अरे घर में बैठ के भी टुकुर टुकुर देखिएगा, लेकिन इस दरबार में आए हैं तो इनका गुणगान करना चाहिए, इनका भजन गाना चाहिए। गाइए गाना, गाइएगा चाचा, उठाइए दोनों, उठाइए सब कोई, बोलिए शंकर भगवान की।
और गाइएगा बाबा की कसम जो नहीं गाइएगा, गाइए कितने दादा रसनवा हे बाबा। कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। दादी सबसे पहले आपको मिलेगा, ये सब देख रहे हैं, टुकुर टुकुर सिर्फ देख रही है। हंस के बाबा से कहिए, दोनों हाथ उठा के बोले शंकर भगवान की। अरे गाइए कितने दादा रसनवा ए बाबा। बोलिए मैया पार्वती की, बोलिए हरा